मैं रिदान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर चैनल पर। आज 9 अप्रैल को अमेठी सुल्तानपुर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर मतलब विधान परिषद और आसान भाषा में कहें तो MLC चुनने का दिन है, जिसको लेकर दोनों जिलों में कुल 28 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां आज के दिन मतदान हो रहा है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो सहायक निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी थी कि दोनों जिलों को मिलाकर 3894 मतदाता बनाए गए हैं। अगर प्रत्याशी की बात करें तो जहां सत्ताधारी भाजपा से MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह तो सपा से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति हैं। इन 28 मतदान केंद्रों में से एक जिला पंचायत सुल्तानपुर है, जहां भाजपा से सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के साथ पूर्व पर्यटन मंत्री और मौजूदा सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह भी मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद मीडिया से क्या बात की सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने, आइए देखते हैं सुल्तानपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट अपना सुल्तानपुर। विधानसभा चुनाव का अभी परिणाम आया था, BJP बहुत मजबूत स्थिति में थी और विधान परिषद में अभी 36 सीटों पे मतदान होना था, जिसमें 9 के निर्विरोध निर्वाचित हो गए हमारे सदस्यगण। तो क्या किस रूप में देख रही हैं? बहुत अच्छी बात है, सरकार और भी मजबूत हो जाएगी और अच्छे लोग आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। आप हर 15 दिन पे अपने संसदीय दौरे पे आती हैं, आज आप मतदान करने आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है जो है आज विधान परिषद चुनाव में आपने मतदान किया है? अच्छा है, मैं खुश हूँ मुझे मौका मिला। किस तरह का संकेत है अपने जिले के विकास के क्षेत्र, किस तरह का संकेत है? मतलब ये MLC का चुना जाना आपने, अब इस दफा जो MLC बहुत दिनों के बाद भाजपा के होंगे तो हम विश्वास करेंगे कि उनको जो मिलता है साल का MPLATS, जो भी उनको विधायक निधि वो हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और भी अच्छे सौगातें क्षेत्र के लिए लाने के लिए, ये मेरी लालच है। अब मैं ज्योतिषी थोड़ी ना हूँ। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।